जिंदगी हमें हमेशा एक मौका देती है जिसे हम कहते हैं आज, तो इस मौके को जी ले जरा। कल नामचे बाजार में एक्लिमेटाइज करने के बाद आज हम आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। नामचे से आगे जाने के लिए दो रास्ते हैं, जो क्यांगजुमा के बाद सनासा से अलग होता है, जो टेंगबोचे और डेबोचे जाता है, जिस पर सारे टूर ऑपरेटर बड़े बड़े ग्रुप को लेके जाते हैं, जो बहुत ही क्राउडेड हो रहता है। और दूसरा मुंगला पास होते हुए फोर्टसे विलेज जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीनिक है और बिल्कुल खाली रहता है, जहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो आज सुबह हमने फटाफट पैकिंग करके निकल गए नामचे से, क्योंकि आज हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। कल हार्दिक को डेटा ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे एक भैया ने लैपटॉप दिया था, तो जाने से पहले उनको हमने रिटर्न किया। थैंक यू सो मच दाई, बाय। तो ये थे भैया फुरमा दाई, जिन्होंने अपना लैपटॉप दिया था मुझे। एंड इट्स अ फाइन मॉर्निंग इन नामचे। वी आर लीविंग फॉर मोंजोला, मोंजो फोर्टसे। That's our route for today. Let's see, आज कहाँ पहुँचते हैं। It's already 7:22 in the morning. Bye bye नामचे बाजार, see you again on the return trip. करीब एक घंटा चलने के बाद हमने ब्रेक लिया, जहाँ पे हमने खूबसूरत नज़ारों के साथ इंस्टेंट ओट्स और चाय के मजे लिए। So ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं आगे। और ये क्या, हमें आज और एक इंडियन ग्रुप मिल गया ब्रेकफास्ट पे, तो एक फोटो तो बनती है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो है आमा डबलम है, ये स्तूपा के पीछे वाला जो है वो शायद लोथ से, और एकदम कॉर्नर में छोटा सा दिख रहा है, दैट इज एवरेस्ट। अब जब ऐसे ट्रैक पे आते हैं तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें तो आती है, लेकिन धीरे धीरे इन पहाड़ों से दोस्ती हो जाती है और दिन लंबा नहीं लगता। तो चल चल के हम काफ़ी आगे आ गए हैं आज, आई गेस एक पहाड़ी तो क्रॉस कर लिया है, बट आज कंपेरेटिव थोड़ा इजी रूट है फॉर अ चेंज नामचे के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर नहीं चढ़ना है बट पहाड़ी के साथ हो साथ चलना। ये पहाड़ों ने इन 5 दिनों में हमें एक चीज तो सिखा दी है, जानना चाहेंगे वो क्या चीज है? पेशेंस, क्योंकि वही एक चीज आपके पास है जो आपको रोज धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। चलते चलते अचानक मुझे मसल में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होने लगा, तो वहाँ पे मुंह ने थोड़ी सी राहत दी और वापस चल पड़ा। कौन सा गांव आ गया? केंजुमा। नहीं, मुंगला को रास्ता कर दीजिए, मुंगला टॉप। ओके थैंक यू। सो अभी हम लोग 7:10:20 हुए और पहुंच गए हैं केंजुमा। यहां से जो है भीड़ पूरी अलग हो जाएगी, आधे लोग सारे नीचे वाली ट्रेल पे चले जाएंगे, हम लोग जाएंगे ऊपर वाली ट्रेल पे। एक के दुईटा बन्नो दुईटा लो। आ गई नर्क की सीढ़ियां। राधा आर यू रेडी फॉर दिस? माय गॉड, डरती नहीं हूँ, यहाँ से चढ़ना है पूरा ऊपर तक। एनीवेज हमारे पास है एनर्जी, टैंक से मिली है एनर्जी। रास्ते में हमें ये बल्गेरियन भाई साहब मिल गए, जो 7 दिन में EBC और गोक्योरी करके घर वापस जा रहे हैं। रास्ते में आपको ऐसे एथलीट भी मिल जाएंगे, लेकिन याद रहे ये एक ट्रैक है, रेस नहीं, आपको अपने पेस पे ही चलना है। हवा भी ठंडी और तेज है,
वैसे तो ये रास्ते बहुत ही सीनिक है, लेकिन आज बादलों को कुछ और ही मंजूर था। और इधर था वो आमाडबलम, इधर था लोद से, नुप्त से और माउंट एवरेस्ट। बट हम थोड़ा लेट है, क्लाउड ने टेक ओवर कर लिया है। ये वाला गांव है मूंग, और वो जो सामने वाला गांव है वो है फोर्थ से, वहां तक पहुंचना है। कम ऑन कम ऑन माय लव, यू कैन डू इट। यस आई लव यू। टायर्ड, शॉर्ट ब्रीदिंग, टेकिंग सम ब्रीथ प्रेशर। कंधा दर्द करने लगा है। गांव तो आ गया शायद, ये वाला सामने है, वहां पहुंच के और बैग उतारूंगा। वो कहते हैं ना, पहाड़ों में जितनी कठिन चढ़ाई उतने ही सुंदर नजारे, ये आज हमें एहसास होने लगा था। ये वाइट कलर का याक खड़ा है यहाँ पे बीच में, ऐसा लग रहा है जैसे ये गार्डियन। बेटा आएगा, बस आएगा। Come on, we can do it, Radha. Yes, yes, we will do it. कब आएगा यार? We made it to Namungla, Radha. Yeah, we made it. पानी खत्म हो गया था हमारा सबका। फाइनली करीब 6 घंटे चलने के बाद हम मुंगला पहुंच ही गए, लेकिन मंजिल अभी काफ़ी दूर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करके और भैया के वहाँ पानी भर के वापस हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। बाय बाय, सी यू। सो अब थोड़ा उतरना है, 13:55 यानी लगभग 2 बज गए हैं और मूंगला से हम लोग निकल रहे हैं। भूख बहुत लगी है, भूख लगी है, पिछले 3 घंटे से हम चल रहे हैं। फर्स्ट नो ऑफ द एबीसी ट्रैक। ये है ब्यूटीफुल विलेज फोर्से, यहीं अपने को पहुंचना है। सो ये है अपना नेक्स्ट लोकेशन फॉर लंच। तो हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक नहीं पाई हमारी, तो ये थोड़ा सा कच्चा पक्का है, तो इसमें एक सूप भी हम लोगों ने डाल दिया है, मॉडिफाइड नोर का टोमेटो सूप हमने डाल दिया, बटर डाल दिया, वाई वाई का मसाला डाल दिया, बहुत सारी मॉडिफाइड किया है फ्लेवर के लिए। सो हम लोगों ने चलना चालू कर दिया फिर से, सामने वाले विलेज तक पहुँचना है अब अपने को। ओह माय गॉड, थोड़ा रिस्की है रास्ता, कैमरा बंद करता हूँ। हमने सोचा था उससे ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था मूंगला पास का, लेकिन नज़ारे कुछ बेहद ही हसीन थे यहाँ पे, तो हम उसी को ही निहारते धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। सो फाइनली हम एक डाइवर्जन पे आ गए हैं। सो यहाँ पे आ गए हम लोग, ये फोर्से थांगा, ठीक है, फोर्से थांगा से हम जाएंगे फोर्से, एंड फ्रॉम दिस रूट शोमारे पेरिशे ईबीसी। ये डाइवर्जन है यहाँ पे, वे टू डोले, वे टू फोर्से। शाम हो रही थी और दूध कोशी धीरे धीरे हमारे और पास आ रही थी। ये जो ट्रीज हैं, ये भोजपत्र के हैं, पहले जो पेपर बनता था महाभारत रामायण काल में, वो सब इन्हीं को निकाल के बनाया जाता था। पाँच बजे हैं, फटाफट पहुंचेंगे, भागेंगे। सो गर्ल्स कम ऑन, बस ये वाला माउंटेन और चढ़ना है, इसके पीछे हमारा स्टे है आज का। कम ऑन गर्ल्स कम ऑन। यस वी कैन डू इट। यस एंड वी नीड एनर्जी। पार्ले मैंगो, मैंगो बाइट से मिलेगी एनर्जी, पानी पी के मिलेगी एनर्जी, लेके रहेंगे एनर्जी, नी कैप से मिलेगी एनर्जी। ये Thank you.
अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। हेलो क्यूटी, ईटिंग ग्रास, हैविंग फन। क्या मस्त गांव है यार, मजा आ गया फोर्थ से में आके। और यहाँ पे सबने बॉर्डर बना रखी है बस लंबी लंबी जमीनों के, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटू था जिसकी सारी जमीनों पे अब बॉर्डर बन चुकी है, जैसा मैं आपको दूर से दिखाया था। और सारे मस्त मस्त से घर बने हुए हैं। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। सो आज का भी डिनर फिनिश 7 अप्रैल एंड 7:22। जल्दी डिनर कर लिया क्योंकि आज बहुत चले, बहुत सारा थक गए। अभी रूम पे जाके थोड़ा देखिए एवरेज बीस कैम प्लस लोबू चे इस वेन्यूज। तो ये वाला फ्लैग कौन सी कंट्री का, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे लगा हुआ था तो मैं सोचा कि आप लोगों को ही पूछ लेता हूँ कि कौन से कंट्री का फ्लैग है। जल्दी से कमेंट में एक बार मुझे बता दो कि कौन सी कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है। राधा तो बोली थी इटली का है, बट आई डोंट थिंक इटली का है, मुझे तो पता नहीं है ये। थैंक यू दाई, थैंक यू सोनम, बाय 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 करो, बाय बाय सीट बॉय। सुना फोर्थ से में आने के बाद मुझे थोड़ा हल्का सा सिर दर्द हो रहा है, तो हार्दिक ने बोला तू डाइमोक्स ले ले। मैंने बोला ठीक है, फिर आगे और भी और 2-3 दिन चलना है, तो मैंने आधी डाइमोक्स ली है फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।